हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, धर्मेंद्र न सिर्फ अपनी लाजवाब फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में रह चुके हैं। असल में धर्मेंद्र ने दो शादियां की। पहली शादी घर वालों की मर्जी से प्रकाश कौर के साथ 1954 में हुई। वहीं धर्मेंद्र ने सबको चौंकाते हुए दूसरी शादी साल 1980 में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और ड्रीम गर्ल के नाम से फेमस हुई हेमा मालिनी से की। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हेमा मालिनी और प्रकाश कौर से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शादी के 43 साल बाद भी आज तक हेमा मालिनी प्रकाश कौर के घर उनसे मिलने नहीं पहुंची। इसकी वजह का खुलासा खुद एक बार हेमा मालिनी ने करते हुए बताया था कि वो नहीं चाहती थी कि उनके कारण किसी को कोई परेशानी हो। असल में धर्मेंद्र ने अपनी पहली वाइफ प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए धर्म बदलकर हेमा से दूसरी शादी की थी। मीडिया में ऐसा दावा किया जाता है कि धर्मेंद्र के इस कदम से प्रकाश कौर काफ़ी ज़्यादा आहत और दुखी हुई थी। आपको बता दें, प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के घर चार बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता का जन्म हुआ था। वहीं हेमा से शादी के बाद एक्टर घर ईशा और आहना का जन्म हुआ था। बहरहाल एक बार धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर ने इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, धर्मेंद्र एक अच्छे पति भले ही ना बन पाए हो लेकिन वो एक अच्छे पिता जरूर है और अपने बच्चों के लिए हरदम वो खड़े रहते हैं।